आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहकर। नमस्कार, मैं हूँ मीना मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे मनोरंजन कार्यक्रम में, जिसमें हम रंगमंच से जुड़ी कुछ ऐसी हस्तियों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपना एक खास मुकाम बनाया है। आज हमारे साथ ऐसी एक हस्ती है जिनकी हुई न्यूज लाइव से खास बातचीत। दोस्तों, आपने बहुत सी फिल्में देखी होंगी, हिट और फ्लॉप, लेकिन क्या आपको पता है फिल्म का असली हीरो कौन होता है? जी हाँ, हम बताते हैं आपको फिल्म का असली हीरो कौन होता है। फिल्म का असली हीरो फिल्म की कहानी होती है और उस कहानी को एक लेखक जन्म देता है। तो आइए मिलवाते हैं एक ऐसे राइटर से जिन्होंने बहुत सी हिट फिल्में दी हैं। उनका नाम है ललित शुक्ला। तो आइए मिलते हैं ललित शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। जी नमस्कार। आप लखनऊ आए हुए हैं अभी? जी हाँ। तो यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में आए होंगे? जी हाँ, एक फिल्म है कैसे हो जाला प्यार, जी, जिसके निर्देशक श्री जगदीश शर्मा जी हैं, उनका एसोसिएट हूँ इसमें। जी जी जी। पवन सिंह, काजल राघवानी जी। तो ये कब से शूटिंग चल रही लखनऊ में? ये 29 जनवरी से हम यहाँ पर हैं। अच्छा, अभी मतलब पैकअप नहीं हुआ है? नहीं जी, पैकअप भी नहीं हुआ, शूटिंग चल रही है और कल 28 फरवरी को लास्ट डेट है शूटिंग की यहाँ पर। तो इसमें क्या लखनऊ के भी कुछ कलाकार हैं? लखनऊ के बहुत सारे कलाकार हैं यहाँ पर, ऑलरेडी छोटे कलाकारों से लेके कुछ बड़े कलाकार भी इसमें सम्मिलित हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे गुप्ता जी हैं जिन्होंने कसम क्राउड सप्लाई किया है, और हैं बहुत सारे लोग जी। अच्छा शुक्ला जी, ये बताइए, आप फिल्म लाइन में शुरू से ही लेखन क्षेत्र से जुड़े थे या लेखन क्षेत्र बाद में शुरू किया लेखनी आपने? हाँ, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये देखिए क्या है, मैं जब छोटा था तो ऐसे तुकबंदी करता था, कविताएं लिखना, फिर मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था, ड्रामे लिखे, जो मेरे ही गांव में स्टेज मंचन हुआ उसका। जी जी। हाँ ठीक है, लोग अच्छा, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, लेकिन आज के ज़माने में जानते हैं पढ़ा लिखा नौजवान क्या चाहिए, नौकरी। नौकरी, मैं भी यहाँ नौकरी के चक्कर में, चूँकि ऊंची जात से संबंध रखता हूँ, तो इसलिए नौकरी का कुछ खास यहाँ नहीं बन पाया, तो मुझे सोचा मुंबई जाएँ। मुंबई भी गया तो वहाँ पर मैं एज ए टीचर 4 साल जूनियर कॉलेज में पढ़ा हिस्ट्री, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ हिस्ट्री से। लिखने की तरफ, फिल्म लाइन की तरफ मेरा कतई कोई झुकाव नहीं था, लेकिन कुछ कॉलेज के जो मैनेजर थे उनकी और कुछ ऐसी किस्मत, मुझे शिक्षा छोड़नी पड़ी शिक्षा क्षेत्र में। फिर हम एज ए रिपोर्टर लगे, अब ऐसा कोई काम तो हमसे होता भी नहीं और मिलता भी नहीं, तो रिपोर्टिंग करने लगे, उसमें भी कुछ रास नहीं आया मुझे। फिर मुझे मिल गए केशव राठौर जी। केशव राठौर आज 350 फिल्मों के लेखक हैं, गुजराती, हिंदी और भोजपुरी, तमाम भाषाएं में। और मैंने उसे कहा कि गुरुजी, मैं, आप मेरे गुरुजी हैं और मुझे आप, तो पहली फिल्म मुझे एज ए राइटर मिली एक पुष्पा पिक्चर में, प्रोडक्शन डिजाइनर होते थे, प्रोडक्शन मैनेजर होते थे, क्या नाम है उनका, सॉरी, वो बिहार के थे, तो उनकी फिल्म उन्होंने बनाई थी सजाई दे मांग हमार। दूसरी फिल्म वो कर रहे थे तोहरे कारण, जिसका स्क्रीन प्ले केशव राठौर जी लिख रहे थे, और मुझे जब मैं उनसे काम मांगा तो बोले डायलॉग लिख लोगे भोजपुरी में? मेरी हिम्मत देखी, मैंने कभी कुछ नहीं किया था, कहाँ लिख लेंगे, लिख लोगे? ठीक है, प्रोड्यूसर का उन्होंने पता दिया, फोन नंबर दिया, तब तो लैंडलाइन नंबर होते थे, मोबाइल किसी के पास होते ही नहीं थे। मैं फ़ोन किया, बोले कौन, बोला मैं ललित शुक्ला बोल रहा हूँ, और केशव राठौर जी ने मुझे नंबर दिया है, आपसे मिलना है, मैं राइटर हूँ। बोला ठीक है, आ जाओ ऑफिस में, तो उनका शांता को जिस वाकोला में ऑफिस था, बुलाए, बोले अच्छा आप राइटर हैं, कहा जी, से क्या लिखे हैं, हम कहा भी कुछ नहीं लिखे हैं लेकिन चूंकि केशव राठौर जी ने
किया था, तो उनको लगा कि नहीं कुछ तो बंदे में बात होगी, ऐसे थोड़ी भेज देंगे किसी को। और मैं केशव राठौर से दो बार मिल चुका था, केशव राठौर उन्होंने मुझे 10 सीन दिए, बोले लिख के लाओ देखें तुम कैसा लिखते हो। और मैं खूब 2 दिन उसको घर पे मेहनत करके ले गया लिख के, उन्होंने पढ़ा, फिर मुझे कहा तुम पढ़ के सुनाओ, मैं पढ़ के सुनाया, कुछ नहीं बोला उन्होंने, 1000 रुपये निकाल के मेरे हाथ में रखा, हम लोग ठीक है तुम फिल्म लिख रहे हो हमारी। किस सन की बात है ये? कोई 98 जो इस सन। और कहा तुम मेरे राइटर हो, मैं तुमको 21000 रुपया डायलॉग लिख कर दूंगा। और उन्होंने फ़ोन किया केशव राठौर जी को, नहीं लड़का अच्छा है ठीक है। और तब से मेरा झुकाव फिल्म लाइन की तरफ बढ़ता गया। फिर मैंने कई फिल्में लिखी, हिंदी की छोटी छोटी फिल्में, ब्रज जी के साथ मैंने काम किया, 2-3 फिल्में लिखा। और फिर भी मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे और थोड़ा राइटिंग स्क्रीन प्ले, चूँकि आज के क्या है राइटर, कहानी लिख लेंगे, कलम पकड़ना सीख गए, बस सोचे मैं राइटर हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं अभी तक समझा हूँ कि स्क्रीन प्ले लिखना फिल्म लाइन में 2-4 लोग ही जानते होंगे, बाकी भी किसी को आता नहीं है। पूरा कहानी तो बहुत लोग लिख लेते हैं, लेकिन मेन तो स्क्रीन प्ले। तो उसके लिए मैं एक संजीव दुग्गल जिन्होंने लिखा था प्यार किया तो डरना क्या है, एतबार अब मुझे अच्छा लगने लगे, कई फिल्म उन्होंने हिट दी थी, सलमान खान के साथ, ऋतिक रोशन के साथ काम किया था उन्होंने। तो मैं उनसे मिला और 4 साल उनके साथ हाउ टू प्ले, हाउ टू राइट स्क्रीन प्ले मैं उनसे सीखा, स्क्रीन प्ले लिखना। 4 साल जुहू होटल में उनके कमरे बुक होते थे, 124 आवर बुक होते थे, जाना लिखना खाना सुबह चलने आना कमरे से लेके 4 साल। फिर मैं निकला तो भोजपुरी हिंदी जो भी मिलता गया मैं काम करता गया, और अब तक 100 के ऊपर छोटी बड़ी फिल्में मैंने लिख ली हैं। कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के जो आपकी मतलब स्टोरी पे काम कर चुके हैं? सभी उस समय जैसे मनोज जी, रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी, सभी के साथ हम काम कर चुके हैं एज ए राइटर, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर। और मैंने अभी एक फिल्म भी बनाई रितेश पांडे को लेकर के, जिंदा दिल, पहले उसका नाम मेरी जान तिरंगा था, बाद में बदल के जिंदा दिल कर दिया गया। वो फिल्म जो है भोजपुरी सिनेमा के लिंक से वो रिलीज हो चुकी है टीवी पर, अभी हॉल में नहीं आई है लेकिन जल्द ही आएगी, कुछ प्रोड्यूसर और फाइनेंसर में प्रॉब्लम्स आ गए थे लेकिन हॉल हो गया है, अब वो हॉल में भी आएगी फिल्म। बस है लगे हुए हैं। देखा दोस्तों आपने, ये हैं ललित शुक्ला जी, बड़े बड़े स्टार जिनकी बदौलत पब्लिक के बीच पहचान बनाते हैं, वो एक राइटर की बदौलत बनाते हैं, इसलिए राइटर ही असली हीरो फिल्म का होता है। अब समय हो चुका है ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाएं और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।